हेलो वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज है संडे का दिन और आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। दबा दिया, आगे बोलो। और संडे का दिन सोचा कुछ घर का काम कर ले। आज हम कहीं भी नहीं गए बाहर क्योंकि अब गर्मी आने वाली है, तो सोचा कूलर का काम करवा लेते हैं। तो हमें लगवानी है आज कूलर में घास, तो हमने बिजली वाले को फोन कर दिया है। आएगा घर में भी तो पहले कूलर से काम चलाना पड़ेगा। तो गाइस वेट कर रहे हैं कि आ जाए इलेक्ट्रिशियन तो वो घास वगैरह लगाए। तो मिलते हैं। तो ये रही घास जो हमने कर, ये हस्बैंड कल ले आए थे राज, और ये रहा हमारा कूलर। कूलर को मैंने कोमल से ना कल थोड़ा सफाई करवा दिया था, यहाँ सारी मिट्टी वगैरह हो रही थी और ये एसी भी गंदा हो रहा था, पर अभी एसी को बाद में करवाएंगे सारी डस्टिंग वस्टिंग। और अभी पहले वो उसको आ जाए तो पहले एक काम कर ले तो दूसरा फिर देखते हैं। ओहो, जिसकी उम्मीद नहीं थी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के लिए। आइए आइए आप आइए, संडे के दिन दर्शन दिए। नमस्ते नमस्ते। मैं यही कह रही थी कि कोमल आने वाली है, सुबह मैंने कहा पहले घास लगवा लेती हूँ। अब बिजली वाले को फोन तो किया है, मैंने बताया मैं कल सफाई करवाई कोमल से, और उसको ये बोल रहे थे कि यहाँ पे पेपर लगवा दे। हाँ। लगा दे भैया, आज क्या कमरे लेके खड़े हो गए? नहीं अभी और सुनिए, कमरा कमरा नहीं बहुत बड़ा कमरा। तो राज ना भी सेटिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन के आने से पहले पहले, क्योंकि ना हमारे कितना गैप है, क्योंकि हमने पिछले साल चलाया नहीं था कूलर, हमने एसी से काम चलाया था और इसमें बहुत गैप है, तो मच्छरों की वजह से भी इसको थोड़ा सा ना वो करना पड़ेगा, तो बाहर सेटिंग करने में लगे पड़ेंगे। वो वैसे भी आएगा तो घास लगाने, वो तब भी हिलाएगा इसको, अभी मत करो। देख रहे ना सेटिंग करके, पता नहीं कोमल राजा तुम्हारा नाड़ा गजब बेइज्जती है। क्या करें हमें? क्या करें कोमल? तूने तेरी वजह से ही हुआ ये। मेरे नाड़ा अंदर करो, मेरे मेरे लड़ाई शुरू, मैं चली जाऊंगी अभी। कोई लड़ाई नहीं लड़ी, मैं बता रही हूँ खानदान में, तुम्हें पता हमारे खानदान में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? मुझे सब पता है। अच्छा हमको सिखा रिया है? क्या पता तुझे? कुछ नहीं, मशीन लगा के टेबल पे कपड़े धो देना। ये देख नाड़ा नहीं अंदर होगा इनका, नाड़ा अंदर कर लो, नाड़ा भी अंदर होगा ऐसा नहीं। कौन नाड़ा? नहीं लास्टिक है अंदर का। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो इधर ही मुंह खोल ले, अंदर करो वरना कोमल उन्हें खींच लेंगे। क्या वो पैंट शर्ट धो, ये कपड़े भी उतार दो। दूसरा पहले ही मिट्टी हो गई, पैंट शर्ट खाली कर दो, मशीन लगा देगी। तो कोमल को कुछ काम नहीं समझ आया तो कही दीदी मैं मशीन लगा लेती हूँ। वेट करते करते हमें 2 घंटे हो गए बिजली वालों के, बिजली वाले नहीं आते यहाँ पे। कल के लिए फायदा हो गया ना तेरे को, कल तेरे को मशीन नहीं लगानी पड़ेगी। आज हो गया, बिजली वाला आया नहीं है तो गंदा
उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। सारा काम हो गया। हाँ मेरा कहने सब्जी नहीं लेगी? डर लग रहा है आज जा। तो लंच बनाया नहीं था, थक गई मैं भी। होमवर्क से बराबर काम कराती हूँ, तो इनका मन था पूरी आलू खाने का, तो हमने आलू पूरी मंगा ली है। हमारे यहाँ पे भैया ठीक ठाक बना रहते हैं, पूरी और सब्जी आलू की। हाँ, आलू हाँ वही, मतलब पुराने दिल्ली जैसा टेस्ट नहीं है, पर हाँ ठीक है। यहाँ पे काम चला में पूरी बनती ना, उस टाइप की पूरी होती है। तो मैं तो खा ले पूरी आलू की सब्जी और उनकी प्याज। पंद्रह पूरी आई थी, 11 ये खा गई और मैंने खाई है 4, बस 4 पूरी खाई है, 11 इनने खाई है। उल्टा बता रहे हो? उल्टा बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने 15 पूरी आई थी है, 4 मैंने खाई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये 11 ने खाई, अब सही है। अब उल्टा देखो, कोई बोलता है कि ये कुछ खाती पीती नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मैंने जरा सी पूरी पी है। कल आई थी ये और पूरी पी गई अकेली। अब बज रहे हैं 1:50, बिजली वाले को फोन करा था हमने 11:30 बजे, अभी तक बिजली वाला आया नहीं है। कूलर का काम अभी तक ऐसे कैसा काम हो जाता है वाला, तो मैं नहाने चल जाती या नहा के खाती फिर मैं। और जब मैं सोच रही हूँ मिट्टी इतनी है, मुझे पता है ना। ये घास लग चुकी है हमारे कूलर की, बहुत लेट आए, ये पुरानी घास ही पड़ी। पैर में झाड़ू लग रही है, हटो तो सही। देखो गाइस, घास लगवा दी है, बड़ी मुश्किल से आया पिछली वाला इतनी झंझट करने के बाद भी, और ये सारी गंदी घास नीचे पड़ी। अब कल कोमल से करवाऊंगी, क्योंकि कोमल के टाइम तक तो कोई आया ही नहीं था। दिमाग खराब हो गया, ये भी नहा ली मैं भी नहा ली थी, इसलिए अभी कोई काम नहीं कर रहे हम।